ये टॉपिक छोटा है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उसी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना है ये लो अब इसमें सारे प्रॉपर्टीज एक एक-एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे पहला प्रॉपर्टीज है कंडक्टर का किन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसमें सिंपली हम अप्लाइड फील्ड के रीजन में एक कंडक्टर को रखेंगे तो जैसे देखो यहां पर अप्लाइड फील्ड का जो रीजन है वो सपोज ऐसे है ये फील्ड हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल इस अप्लाइड फील्ड रीजन में एक कंडक्टर है तो ये जो फील्ड अप्लाइड है इसको हम लोग ई e एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके इनसाइड यहां पर हमने एक कंडक्टर रख दिया तो ड्यू टू इंडक्शन कंडक्टर के इस एंड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा अब ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है जस्ट इसके अपोजिट ये जो इंड्यूस चार्ज का फील्ड होगा ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर अब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंड्यूस चार्ज के इक्वल ना हो जाए तो जो नेट फील्ड हम लोग लिखेंगे विद इन द कंडक्टर नेट फील्ड आ जाएगा एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड तो इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल दोनों नुमरिकली इक्वल है इसलिए फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो हो जाएगा समझ में आ गया अब इस पर क्वेश्चन क्या रहता ये प्रॉपर्टीज है तो सिंपल ऑप्शन दिया रहेगा कि या लिखा रहेगा इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्शन दिया रहेगा जीरो नॉन जीरो एक इस तरह का क्वेश्चन रहेगा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसका रीजन क्या है तो रीजन में पहला रीजन हो सकता है हम लोगों को यह मिल जाए कि एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड ई एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू ई इंड्यूस्ड ए एक्सटर्नल लार्जर दैन ई इंड्यूस तो जो ऑप्शन में रहेगा ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंड वही हम लोग लिखेंगे समझ में आ गया अब ये हमारे पी डी एफ में इस तरह से हमने बना रखा है कि ये कंडक्टर स्पेसमैन है अप्लाइड फील्ड को हमने ई e एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट किया इधर यहां पर हाइयर पॉजिटिव पोटेंशियल और यहां लोअर नेगेटिव पोटेंशियल अब इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस चार्ज डेवलप कर गया तो ये सारे इंड्यूस चार्ज डेवलप करते जा रहे हैं अब ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल के इक्वल ना हो जाए तो फाइनली हमारे पास यही हमने लिखा भी है कि वेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिगिंस टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बाई द इंड्यूस चार्ज मीन्स ई इंड्यूस्ड इज नुमरिकली इक्वल टू द ई एक्सटर्नल हिन्स इन साइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस और दोनों इक्वल है तो नेट फील्ड विद इन द कंडक्टर जीरो हो जाएगा समझ में आ गया ये वन मार्क के लिए हम लोग पढ़े एक क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज़ पर एक क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा क्लियर हो गया अब आ जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ तो सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन इसका रीजन क्या है ठीक अब इस रीजन के लिए हमने आर्बिट्रेरी शेप का एक कंडक्टर ले लिया आर्बिट्रेरी शेप का ठीक इरेगुलर शेप का ऐसा कंडक्टर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर नॉर्मल होगा ठीक हम इस सरफेस पर कहीं भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे तो फील्ड का डायरेक्शन एन कैप के लॉन्ग होना चाहिए ठीक ये तो प्रॉपर्टीज कहता हमको प्रूफ करना है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर एनी डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन ऐसा डायरेक्शन ले लिया ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिया अब ये कंडक्टर का जो शेप क्रिएट होता बता रखा था ये तभी होता जब चार्ज का फ्लो इसके अलोंग होता है यदि चार्ज का फ्लो ऐसे होगा तो कंडक्टर का शेप ऐसा बनेगा इसका मतलब ये फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ एंगल थीटा बनाएगा तो यहां पर फ्लो ऑफ चार्ज को ये पाथ फॉलो कर रहा है तो इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या बन गया ई कॉस थीटा और इधर का कंपोनेंट क्या बन गया ई साइन थीटा ठीक लेकिन हम पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा स्टैटिक कंडीशन इसका मतलब अंडर स्टैटिक कंडीशन अब चार्ज का फ्लो तो नहीं है भाई चार्ज का फ्लो रहता तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाते तो अंडर स्टैटिक कंडीशन ई कॉस हीटा क्या होना चाहिए जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो कॉस हीटा जीरो हीटा जीरो कौन सा वैल्यू कॉस 90 डिग्री हीटा 90 डिग्री अब 90 डिग्री हो गया इसका मतलब ये एंगल कितना मना 90 डिग्री तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा एन कैप के, के लॉन्ग इसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर एट द सर्फेस ऑफ एवरी चार्स कंडक्टर समझ में आ गया क्लियर हंड्रेड परसेंट कोई डाउट है तो पूछो अमित आ रहा समझ में चलो अब ये देखो हमने क्या लिखा कंसिडर कर लिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर तो इ कॉस्टा क्या रिपसेंट करेगा फ्लोफ चार्ज को लेकिन अंडर स्टार्टिंग कंडीशन इ कॉस थीटा इज इक्ल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर आ गया समझ में नेक्स्ट yeah. प्रॉपर्टीज पे आ जाए नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर जीरो तो मान लो एक कार्बेटरी शेप का कंडक्टर ले लिया चार्ज कहां पर रहते हैं? इसके सरफेस पे रहते हैं अब इसके इनसाइड हमको देखना कि नेट चार्ज कितना होगा तो एक इनसाइड हम एक सरफेस बना लेते हैं अब वो सरफेस हम बना लेते हैं गॉसियन सरफेस। अब इस सरफेस के अंदर अभी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनसाइड कंडक्टर जीरो अब इस गॉसियन सरफेस का फ्लस्क बताओ कितना होगा तो फ्लस का फॉर्मूला हम लोग यूज कर ले प्लस इज इक्वल टू ई डॉट डीएस क्लियर तो प्लस e तो फाइव को क्या लिखते हैं क्यू बाई एफसेल एन नॉट ई डॉट डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कंडक्टर जीरो इट मींस क्यू बाई एफसेल एन नॉट इज इक्वल टू जीरो देन क्यू इज इक्वल टू जीरो समझ में आ गया कितना इजी है यदि आप पढ़ रहे हो तो सब कुछ समझ में आ रहा है आ नहीं पढ़ोगे तो अब वह सारा याद है सारा फॉर्मूला याद है अच्छा ठीक गुड अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कल ही पढ़ाया था कल ही पढ़ाया था सबने कहा कि हमने वीडियो देख रखा प्रीवियस वीडियो सबने कहा ठीक है अमित ये कंडक्टर के सरफेस को रिप्रेजेंट किया इसका रेडियस आर और यहां पे पॉइंट पी पर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं कितना पोटेंशियल होगा इस पर चार्ज क्यों है पोटेंशियल में आर स्क्वायर होता है अबे, क्या रिजल्ट क्या आएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा एट पॉइंट पी क्यू बाई आर गुड चलो ये बच्चा अब थोड़ा मेहनत कर रहा है अच्छा ठीक देख करके भी तो बोला नहीं नहीं एक बात जान लो बहुत इजी लैंग्वेज में बोल रहे हैं पहले भी कहा था जो नहीं जानता वही हंसता है ज्यादा समझ गया ना चलो जो हंसा है उसी से हम पूछ लेते हैं इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा राम गणेश अच्छा और इसके इनसाइड तो बताया था अलग एक्सप्रेशन क्या था क्यों से अलग था एक था अच्छा ठीक इसका मतलब इंटायर वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट यही मतलब हुआ यस देखो यहां अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या है इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जीरो जीरो हो गया माइनस डीवी बाई डी आर किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का ही डिफरेंशिएशन जीरो इसका मतलब डी बाई डी आर का ही डिफरेंशिएशन जीरो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑलवेज जीरो इसका मतलब इससे इसको कोरलेट करो तो क्या आएगा पोटेंशियल रेमेंस कांस्टेंट क्लियर इसलिए पूरे इंटायर सरफेस पर इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा समझ में आ गया चल ये एक्सप्लेनेशन है नहीं भी जानते तो वी नो दैट लिख ही सकते हैं अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर देन पोटेंशियल रिमेंस कांस्टेंट। आ गया समझ में चलो अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता तो मान लो हमने एक कंडक्टर का सरफेस है किया अब इस पर चार्ज प्लस है सरफेस पे तो एक एलिमेंट्री चार्ज को कंसिडर किया हमको इसके लिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है और गिवन चार्ज है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग हमेशा गॉसियन सरफेस का हेल्प लेते हैं यही पढ़ा रखा गॉस गॉसियन सरफेस या गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में पहला पॉइंट यही बताया था हमने इस चार्ज को हम लोग इनक्लोज करेंगे ठीक इनक्लोज कर दिया सिलेंडिकल शेप होगा ये गॉसियन सरफेस बन गया अब यहां पर इसका एलिमेंट्री सरफेस एरिया डीएस मान लिया। अब यहां पर जो फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा और एक फील्ड इनसाइड साइड द सरफेस और इनसाइड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्लियर इसका मतलब फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आउटसाइड के लिए ही होगा नॉट इनसाइड ठीक इसको हम लोग यहां पर आउटसाइड मतलब यदि दोनों फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा आउटसाइड के लिए इनसाइड के लिए जीरो हो रहा अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाइज इक्वल टू ई डॉट डीएस फाइव को हम लोग क्या लिखते हैं भाई क्यू बाई अब सले ये लिखते हैं तो फाइव इज इक्वल टू यह हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड तो एंगल बिटवीन देम जीरो डिग्री तो फाइनली ये ई हो गया और ये सरफेस इसको हमने डीएस मान लिया। पाई का मतलब क्यू बाई अब सल नॉट अब ये जो चार्ज इनक्लोज किया इसको क्यू माना अब ये इनक्लोज चार्ज को क्यू माना तो क्यू इक्वल टू क्या होगा यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस के अलॉन्ग तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया लिखते हैं तो यहां पर चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा और इस सरफेस का एरिया हमारा डीएस है तो सिग्मा डीएस हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में ये सिग्मा डीएस बाई अफ्सल नॉट ई डी एस हो गया डीएस डीएस कैंसिल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना बन गया जल्दी से बता दो सिग्मा बाई अफ्सल नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड तो नॉर्मल के अलोंग है इसलिए हम लोग इसके एलोंग एक यूनिट वेक्टर एन कैप ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो इसका डायरेक्शन एन कैप के एलोंग हो गया इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा सिग्मा बाई अफसेनॉट आगे समझ में कंडक्टर के सरफेस पे सिग्मा बाई नॉट क्लियर यस नो अब आ जाए नेक्स्ट मतलब लास्ट प्रॉपर्टीज है क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग शील्डिंग का मतलब प्रोटेक्ट करना ये ना होता है ठीक अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक रीजन बना रखा है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है इसके अंदर एक कंडक्टर ले लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसका मतलब ये कंडक्टर प्रोटेक्ट हो गया अप्लाइड फील्ड से अप्लाइड फील्ड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा ठीक इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाता है इन साइड द कैविटी और इसी को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं तो लिखा है द फेनोमेन ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ठीक अब यहां पर देखिए क्या कहता है कि ये किस पर ये इसका जो मतलब फैक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वैनिश होता है इन साइड द कंडक्टर तो आप इसको एक एग्जाम्पल ले सकते हो कैविटी समझते हो तो कौन कौन कैविटी नहीं समझता है नहीं समझते हो तुम जो योजी में टर्म है एयर कैविटी चलो ध्यान आजकल सब लोग तरबूज खाते हो ठीक अ नहीं देखते भी उस तरबूज को काटा अंदर वाला मटेरियल खा लिया और ढक दिया कवर से जितना कटिंग किया अंदर वाला जो भी पोर्शन है उससे उसको आपने खा लिया और ढक दिया तो अंदर क्या बन गया कैविटी बन गया एयर कैविटी इसी को कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ एक तरह से आपने एक रीजन क्रिएट किया जिसके अंदर तरबूज का कोई भी पार्ट नहीं है तो वाई हमने एक रीजन क्रिएट कर दिया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है उसी रीजन को हम लोग शील्डिंग कहते हैं क्लियर अब इसका फायदा भी है अब फायदा क्या है तो देखिए जैसे मान लो कल भी बारिश हुई बिजली कड़क रही है ठीक आप व्हीकल से जा रहे हो ग्राउंड भी है बगल में कहीं प्लांट्स ट्रीज भी है छिपोगे आप अच्छा ये देखो अपने आप को बच... अपने आप को सुहा कराने का ये पूरा इंतजाम कर रखी है कार के पूरे विंडो को क्लोज कर दो डोर को टाइटली क्लोज कर दो तो वो एक तरह से कैविटी फॉर्म कर जाएगा वो प्रोटेक्ट करेगा आ बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को और वो रीजन फ्री फ्रॉम अप्लाइड फील्ड हो जाएगा और अपने आप को सेफ कर लेंगे आप अब ये कह रही कि हम ग्राउंड में चले जाएंगे दौड़ते हुए क्या बताया था कि लाइटनिंग ऑफ कंडक्टर के लिए कितना करंट होता है अप्रोक्सीमेटली टेन पर फोर एमपीयर तो आपको सुहाब बोलने का भी समय नहीं मिलेगा टेंट बार फोर एम्पियर समझ रहे हो छोटा मोटा करंट पंद्रह एम्पियर ह दस एम्पियर का फ्लो हो जाए बॉडी में तो एकदम कल हो गया हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं थोड़ा देर तक तो टॉलरेट कर लेते उसके बाद तो हॉस्पिटल में ही रहते हैं हाँ चलिए तो इसका मतलब यहां पर देखिए ये लिखा हमने इट इज सेफर टू सिट इन ए कार और अ बस ड्यूरिंग लाइटनिंग रादर देन टू स्टैंड अंडर ए ट्री और एन ओपन ग्राउंड समझ में आ गया कि नहीं कितने प्रॉपर्टीज हो गए टोटल सिक्स प्रॉपर्टीज है देखो तीन कहता है आ, तो छह प्रॉपर्टीज अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन देखिए क्या है वॉट एपन्स वेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देखते कौन कौन बताएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडूस चार्जेस अपोसेज द एक्सटर्नल फील्ड विद इन द कंडक्टर

ऑफ चार्ज देन इट चार्जेस कहां रहता है सरफेस पे तो सीधा ऑप्शन क्या हो गया ए ऑप्शन हो गया ऐसे ही क्वेश्चन रहते कितना है. है नहीं लेकिन कल हो गए फिर भूल जाएंगे कल टफ लगने लगेगा परसों अरे ये टॉपिक कहां पढ़ा था नहीं नाइन्थ है पढ़ा था कि सेवंथ है पढ़ा था भूल भी जाते हैं टीचर का नाम भी भूल जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉपी निकालिए ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब लोग कॉपी निकालेंगे कॉपी निकाल लिया देखे ध्यान से यहां पर कहता है कि टू मेटल स्फेयर्स एक का रेडियस आर एक का रेडियस आर दूसरे का रेडियस टू आर ध्यान से एक का रेडियस आर दूसरे का टू आर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और क्या अब कहता सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दे आर ब्राउट इन कॉन्टेक्ट मेटल स्फेयर का नाम दे दिया पी एन क्यू क्योंकि ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग है पी क्यू तो एक का नाम पी दूसरे का नाम क्यू अब कहता दोनों को कॉन्टेक्ट मिलाया और सेपरेट कर दिया तो नया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो यही क्वेश्चन कहता है तो पहले जब इनको कांटेक्ट किया तो तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए इट मींस V1 वन इज इक्वल टू वी क्लियर अब इस पर चार्ज कितना है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ध्यान से पर चार्ज है सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर क्यू पर चार्ज है सिग्मा इंटू फोर पाई टू आर का होल स्क्वायर तो सिक्सटीन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका मतलब टोटल चार्ज कितना बन जाएगा सिग्मा इंटू ट्वेंटी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्लियर यस नो अब आ जाए दोनों का पोटेंशियल सेम तो पहले वाले पे चार्ज क्यूपी ठीक फोर पाई एफसेल नॉट इसका रेडियस आर इस पे चार्ज क्यू क्यू पाई एफसेल एन नॉट टू आर तो क्यू पी बाई क्यू क्यू इज इक्वल टू वन बाई टू आ गया यस नो चलिए यहां तक नोट करें आप क्विक हो गया अब हम लोगों को नया सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है तो पहले न्यू चार्ज का फॉर्मेशन भी तो निकालना पड़ेगा तो जो नया चार्ज है स्टेप वन यहां लिख रहे हैं लेफ्ट साइड डास पी पर जो नया चार्ज होगा तो इसका अपना क्यूपी ठीक क्यूपी प्लस क्यू क्यू और नेट चार्ज क्यू टी रेशियो प्रोपोर्शन से अब इसमें क्यू क्यू से डिवाइड कर दो चूंकि हमको क्यूपी बाई क्यू क्यू का वैल्यू वन बाई टू है तो क्यू क्यू से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा तो क्यूपी बाई क्यू क्यू नीचे वन प्लस सॉरी क्यूपी बाई क्यू क्यू क्यूपी बाई क्यू क्यू प्लस वन इंटू क्यू टी क्या ये ऊपर वन बाई टू नीचे वन बाई टू प्लस वन टू टू एलसीएम होके कैंसिल हो गया कितना गया जल्दी से बता दो वन बाई थ्री कन्फर्म अरे वन बाई टू डिवाइड बाई वन बाई टू प्लस वन वन बाई थ्री इसका मतलब फाइनली आ गया क्यू टी बाई थ्री टोटल चार्ज के फॉर्म में नया चार्ज मिल गया P पर इसी तरह से नया चार्ज Q पर निकालो फॉर्मूला क्यू क्यू डिवाइड बाई क्यू पी प्लस क्यू क्यू इंटू नेट चार्ज जल्दी से बताओ इसमें भी देखो क्यूपी बाई क्यू क्यू है तो क्यू क्यू से डिवाइड कर दो तो ऊपर वन बचा नीचे क्यू क्यू से डिवाइड करोगे तो पी बाई क्यू क्यू वन बाई टू प्लस वन कितना आ गया जल्दी से बता दो टू बाई थ्री क्यू टी आ गया नया चार्ज अब क्या चाहिए हम लोगों को नया सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा पी डैश नया चार्ज डेंसिटी सिख पी जो भी है क्या होता फॉर्मूला जल्दी से बताओ चार्ज बाई एरिया तो नया चार्ज बाई एरिया नया चार्ज, एरिया। नया चार्ज कितना क्यूपीडास क्यू टी बाई थ्री इंटू वन बाई ए जल्दी से बताओ कितना क्यू टी है टोटल चार्ज कितना है ऊपर देखो लिखा हुआ है टोटल चार्ज सिगमा इंटू ट्वेंटी पाई आर स्क्वायर फ्री हो गया इसका अपना एरिया फोर पाई आर स्क्वायर कितना बचा जल्दी से बता दो इब सिग्मा बाई फ्री इसमें से कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है डी तो क्यू भी निकाल के चेक कर लेंगे चलिए क्यू क्यूडास के लिए ध्यान से अब नया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू Q पर क्यूक्यूडास Q -Q बाई एरिया चलो इसका कितना है क्यूक्यूडास टू बाई थ्री क्यू टी बाई सरफेस एरिया टू बाई थ्री सिगमा ट्वेंटी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका अपना सरफेस एरिया कितना है फोर पाई इंटू टू आर का होल स्क्वायर कितना आ गया सिक्सटीन सिक्सटीन पाई आर स्क्वायर चलो सॉल्व करके बताओ पाई बाय सिक्स सिग्मा देखो डी में है ऑप्शन समझ में या नो चलो नोट कर लो

कर लिया नोट डाउन हो गया अच्छा देख लीजिए किस एग्जाम में आया कैसा क्वेश्चन आता है समझ में आ गया ये नहीं सोचना है कि उसका क्वेश्चन आसान होता है समय देखिए कितना लगा सॉल्व करने में यही आंसर है उसी फॉर्म से बना भी दिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी है अब क्या कंसिडर ए कैविटी इन ए कंडक्टर आज शोन इन द फिगर यही फिगर में कैविटी है ठीक तो ये तो हमने आंसर दे दिया सीधा सी है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो सिग्मा भी क्या आएगा जीरो आएगा तो इलेक्ट्रोस्टीज ऑफ कंडक्टर वाला पार्ट खत्म हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है कल ही होगा डायलेक्ट्रिक्स यहां तक तो कंप्लीट कर लो सब लोग